सही है? तो उस पर हमने बात की कि अगर तो पोर्शन फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो फिर ये जो है एसिड आइडेंटिफाइड कहलाएगा अगर कैपेसिटी है तो कैपेसिटी के केस में यू नीड टू सी सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो आपके पास है तो फिर वो आइडेंटिफाइड कैपेसिटी कहलाएगी फिर हमने आइडेंटिफिकेशन के जुमरे में ही एक और बात की थी कि देखें बाजू का तैसा होता है एसिड आइडेंटिफाइड तो होता है बट सप्लायर के पास राइट होता है वो जब चाहे सब्सिट्यूट कर दे उस एसिड को तो उस सिनेरियो में हमने देखा कि अगर तो सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटीट्यूट है तो फिर एसेट आइडेंटिफाइड नहीं कहलाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट कॉन्ट्रैक्ट बी क्लासिफाइड एज लीज का कॉन्ट्रैक्ट फिर हमने बात की फिर हमने बात की कि देखिए राइट टू यूज का मतलब यह है कि एक तो जो सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी है वो लेसी होना चाहिए और दूसरा जो कंट्रोल राइट टू कंट्रोल द यूज या राइट टू डायरेक्ट द यूज कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है वो भी लेसी के पास होना चाहिए अगर तो ये दोनों बातें हैं तो आपका जो है राइट टू यूज लेसी के पास कहलाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर हमने बात की कि देखें जब वंस वी हैव आइडेंटिफाइड एनी कॉन्ट्रैक्ट एज लीज का कॉन्ट्रैक्ट तो फिर बाय डिफॉल्ट लेसी के पर्सपेक्टिव से बाय डिफॉल्ट लेसी के पर्सपेक्टिव से लेसी इज सपोज टू क्लासिफाई इट्स लीज यूजिंग जनरल अप्रोच मतलब फाइनेंस लीज मतलब आर ओ यू है उसको एक तरफ बुक करना है और दूसरी तरफ लीज लाइबिलिटी बुक करनी है हाउ एवर देर आर टू सीनैरियो जिसमें लेसी कैन ऑप्ट फॉर क्लासिफाइंग हिज और हर लीज एज सिंप्लीफाइड अप्रोच और इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग लीज और इन अदर वर्ड्स उसको सिर्फ रेंट एक्सपेंस बुक करना होगा वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है वो दो सीनैरियोज क्या है अगर तो लीज शॉर्ट टर्म लीज हो या फिर एसिड जो है जिस एसिड की लीज की जा रही है वो लो वैल्यूड एसिड हो तो इस सिनेरियो में लेसी जो है वो अपनी लीज को ऑपरेटिंग लीज या सिंप्लीफाइड लीज के तौर पे क्लासिफाई कर सकता है लो वैल्यूड एसिड के हवाले से फिर हमने बात की कि देखें कौन सा एसिड लो वैल्यूड कहलाएगा वो एसेट लो वैल्यूड कहलाएगा जिसकी वैल्यू पांच हजार डॉलर या उससे कम हो अलबत्ता दो तीन बातों का ख्याल रखना है कि ये एसेट ये जो वैल्यू होगी ये उस वक्त की वैल्यू होगी एस एसेट है जो नया बीस हजार का मिलता है बट आपके पास चूंकि सेकेंड हैड है तो लीज के टाइम पे उसकी वैल्यू तीन हजार डॉलर है तो इट वुड स्टिल बी क्लासिफाइड एज एस नॉर्मल एसेट रादर देन लो वैल्यूड एसेट फिर हमने बात की कि देखें Uh, बाज़ात ऐसा होता है कि आपके जो एसेट्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो अगर तो इंटरलिंक या इंटरडिपेंडेंट एसेट्स हैं तो आपने एसेट की वैल्यू देखने के लिए तमाम एसेट्स की वैल्यू को टोटल करके देखना है अगर तो टोटल में उन एसेट्स की वैल्यू पांच हज़ार डॉलर या उससे कम है तो वो फिर लो वैल्यूड कहलाएंगे वरना वो हाई वैल्यूड कहलाएंगे या फिर नॉर्मल एसेट्स कहलाएंगे फिर हमने बात की कि देखें अगर तो आपने सब लीज के लिए सब लीज के लिए कोई लो वैल्यूड एसेट जो जैसे कंपनीज करती हैं बाइक्स वगैरह जो है वो लीज पे लेके बैंक से जो है वो आगे अपने इंप्लॉज को लीज पर देती हैं तो उस सिनेरियो में जो है ये वाला ये वाला एग्जामेशन जो है लेसी अवेल नहीं कर सकता अगर तो उसका सब लीज का इरादा है फिर हमने फिर हमने बात की कि देखें शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है

क्या कहते हैं ये देखा कि देखें अगर तो अगर तो लेसी अगर तो लेसी अप्रोच के तहत जो है अपनी लीज़ को बुक करता है या क्लासिफाई करता है तो उस सिनेरियो में लेसी ने कुछ नहीं करना लेसी ने रेंट एक्सपेंस बुक करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसका मतलब यह है कि अगर आपके पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर आप सिंप्लीफाइड अप्रोच पे क्लासिफाई कर रहे हो और हर साल आपकी पेमेंट जो है वो चेंज है फॉर एग्जांपल पहले साल में एक लाख दूसरे साल में जो है एक दस अलब अलगर्स के दस दस परसेंट से इंक्रीज हो रही है तो आप जो रेंट एक्सपेंस बुक करेंगे वो पांचों सालों का आप जो है एवरेज लेंगे और फिर हर साल एवरेज से आपने एक्सपेंस बुक करना है. है जी जी सर uh, जब पाँच साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस पर तो हम ये ऑपरेटिंग लीज यानी सिंपलीफाइड अप्रोच तो लगाएंगे ही नहीं 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 तो, तो अगर तो हो हो अगर तो लो वैल्यूड एसेट है तो फिर तो लगा सकते हैं ना अच्छा यानी ये और कोई भी एक कंडीशन मीट होगी हाँ 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 बिल्कुल 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 और बिल्कुल, है। है। और, और दोनों दो अलग अलग सिनेरियोज है ना जी सही अच्छा सर फिर हमने बात की कि अच्छा यार अब तो बाई डिफॉल्ट लेसी ने जो यूज करना है अगर तो हम बोलते हैं कि हमने फाइनेंस लीज के तौर पर क्लासीफाई करना है तो फिर हम कैसे करेंगे तो उस पर हमने बात की थी कि देखें अगर तो इज सपोज टू हिज और हर लीज एज फाइनेंस लीज तो उसने एक तरफ लीज लाइबिलिटी बुक करनी है और दूसरी तरफ आर ओ यू ए बुक करना है सही है अब सवाल ये पैदा होता है कि लीज लाइबिलिटी क्या चीज है लीज लाइबिलिटी क्या है तो हमने पढ़ा कि देखे लीज लाइबिलिटी जो है ये आपकी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है अब इधर दो बातें पैदा होती हैं कि लीज पेमेंट क्या है और प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो उस पर हमने बात की कि देखें सबसे पहले तो लीज पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड ने चार पांच बातें कही हुई हैं कि देखें लीज पेमेंट के अंदर ये चार पांच चीजें आती हैं लीज पेमेंट इंक्लूड्स दो पेमेंट्स विच आर मेड टू दूरिंग द लीज टर्म नंबर वन फिक्स पेमेंट्स बाजूकात जो है वो जैसे फिक्स पेमेंट्स अगर अगर जैसे रेंट एक रेंटल एग्रीमेंट की बात कर ले तो हर साल जो है वो लेसी को एक एक लाख रुपए देने हैं तो ये फिक्स पेमेंट्स हो गई बाजूक होता है कि काइबोर बेस्ड पेमेंट्स होती हैं या लाइबोर बेस्ड पेमेंट्स होती हैं तो वो फिक्स तो नहीं होती क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन लाइबर बीट ऑन सिक्स मंथली और और क्वार्टरली और नाइन मंथली और बेसिस तो अलगर्स वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं और वो इंडेक्स सेलिंग तो का हिस्सा बनेगी प्लस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ द इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन बाजू का तो ऐसा होता है कि लेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उस एसेट को एट द एंड ऑफ द परचेज कर ले तो अगर तो लेसी का इरादा है कि वो परचेज करेगा तो फिर वो जो एक्सरसाइज प्राइस है उसको भी लीज पेमेंट का हिस्सा बनाएंगे डी पेमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ लीज टर्म रिफ्लेक्ट्स द लेसी एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज अगर तो से लीस्ट, कोई कैंसलेबल पीरियड भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है मगर कैंसलेबल पीरियड का जो है पेनल्टी का अमाउंट दिया हुआ है कि कैंसलेबल पीरियड में अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको दो लाख रुपए पे करने पड़ेंगे और लेसी का इरादा है कि वो कैंसिल करेगा तो उस दो लाख को भी आपने लीज पेमेंट का हिस्सा बनाना है तो लीज पेमेंट इज इक्वल टू फिक्स पेमेंट प्लस वेरिएबल लीज पेमेंट इफ दे आर लिंक टू काइबोर प्लस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ द लेसीचेज द्लस प्लस प्लस पेनल्टीज टू टर्मिनेट द लीज इफ द दू टर्मिनेट द लीज तो ये चार अहम चीजें हैं जो लीज पेमेंट का हिस्सा बनेंगी फिर आपने क्या करना है उन लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए हसन रेट कौन सा लेंगे प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट कौन सा लेंगे Ideally, तो जो है वही होना चाहिए जो लेसर का है. But, practically, लेसर का का है आपको इंक्रीमेंटल तो आप आप ले बोरोइंग ले अगर तो ये आप बैंक से फाइनेंसिंग करवाने के लिए जाते जातेड की तो आपको क्या रेट लगता दिस इज कॉल्ड आईबीआर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट सही है तो हमने लीज लाइबिलिटी को देख लिया कि आप लीज लाइबिलिटी डे वन पे किस वैल्यू पर मेजर करोगे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर तो आप लीज को जनरल अप्रोच या दूसरी जबान में फाइनेंस लीज के तौर पे क्लासिफाई करते हैं तो आपने आपने एक तरफ लीज लाइबिलिटी बुक करनी है और दूसरी तरफ आर बुक करना है तो डे वन पे जो आप लीज लाइबिलिटी बुक करोगे वो कैसे बुक करेंगे जो भी लीज के अंदर पेमेंट होगी उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू लोगे यूजिंग आईबीआर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट अब आई uh, होप आपको यहां तक क्लियर है अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि सर एक तरफ तो तुमने लीज लाइबिलिटी डे वन पे बुक करवाई दूसरी तरफ आर ओ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अगर आपको याद हो तो आई एफ आर एस सिक्सटीन से पहले वी यूज टू यूज द टर्म लीज एसेट्स अब लीज एसेट्स का नाम चेंज होके हो गया है आर ओ यू ए दिस इज अगेन वन ऑफ द डिस्कलोजर बेस्ड और प्रेजेंटेशन बेस्ड चेंज बींग ब्रॉटन बाई आई एफ आर एस सिक्सटीन अब आर ओ यू ए क्या होगा आर ओ यू ए में लीज लाइबिलिटी जो लीज लाइबिलिटी होगी वो आर ओ यू ए का हिस्सा होगी प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट

एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ टर्म वी तो उस डिस हिस्सा बनाना है।, बाजों का होता है कि आपको अपने लेसर से या सप्लायर से इंसेंटिव मिलते हैं जब आप मार्केट में फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं तो सप्लायर बोलता है कि भाई आपको जो है मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पास आए हो सही ना रादर देन गोइंग टू एनी अदर वेंडर तो वो जो लीज इंसेंटिव अगर आपको मिल रहा है तो उसको आप आर ओ माइनस करते हैं तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं उसको हम देखते हैं एक सवाल कुछन... है। जी जी सवाल आ, सर ये बताइए कि हम लोग इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्यों बुक करते हैं क्योंकि आपका जो लीज ल... अच्छा देखें मुझे आप एक बात बताएं। आप पांच सालों पे पेमेंट करेंगे ना लेट से आपने मुझसे गाड़ी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया नॉर्मली बात कर लेते हैं आपने मुझसे गाड़ी का लीज पे लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने बोला सही आप जो है मुझसे गाड़ी लें अब मुझे आप जरा जरा प्रैक्टिकल से बताए आजान हो रही है क्या हम लोग एक मिनट वेट कर लें अजान हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं श्योर श्योर अच्छा जी लेट्स क्विकली मूव ऑन अब एक uh, सवाल आया था कि सर हम जो है लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पर बुक क्यों करते हैं एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जैसे मैं एक uh, ये एक्सेल शीट खोल लेता हूँ इस पर हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों को एक्सेल शीट नजर आ रही है जी सर अच्छा अब देखें आप मेरे पास लेट से गाड़ी लेने के लिए मोटर व्हीकल परचेज करने के लिए आते हैं मैं सब सवाल वापस से रिपीट कर लूं कि जो है हम सवाल ये है एक पार्टिसिपेंट का कि हम लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पर बुक क्यों करते हैं गाड़ी अगर आप मुझसे फेयर वैल्यू कैश पे ख़रीदते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई मैं आपसे बीस लाख रुपये लेता सही बड़ी नॉर्मल सी बात है ठीक है मैं आपसे दो मिलियन रुपीज लेता इसकी फेयर वैल्यू है आप कैश मुझे देते और मैं दो मिलियन आपसे ले लेता अब आप अगर लेट से मेरे पास आते हैं गाड़ी परचेस करने के लिए और आप मुझे बोलते हैं हसन मुझे जो है गाड़ी पांच साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए मैं तुम्हें हर साल जो है पांच पांच लाख रुपए दूंगा तो अब आप मुझे बताएं एज अ बिजनेस एक्यूमैन क्या मैं आपसे दो मिलियन ही लूंगा पैसे नो कभी भी नहीं एज अ नॉर्मल पर्सन मेरा पैसा पांच साल के लिए जो है वो स्टकअप हुआ हुआ है तो मैं आपसे दो मिलियन नहीं लूंगा दो मिलियन से ज्यादा लूंगा सही है ना अब 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 से मैं 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 आपसे 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 ले लेता हूं पांच सालों पे, पा, पे अज्यूम करें आपने बोला कि हसन मुझे जो इंस्टॉलमेंट जितनी इंस्टॉलमेंट पे चाहिए वो पांच सालों पे चाहिए तो मेरी लीज टर्म जो है वो फाइव इयर्स है अब मैं आपसे ओबियसली चार लाख रुपए नहीं लूंगा हर साल मैं अब आपसे क्योंकि चार इंटू पांच बीस लाख रुपए तो मुझे फायदा क्या हुआ एज बिजनेस पर्सन तो मैंने आपसे बोला कि भाई आप मुझे रेंटल्स से काम करो कोई मसला नहीं है आप जो है मुझसे आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले लो आप जो है मुझे हर साल पांच पांच लाख रुपए पे करना रेंटल्स पांच लाख पर ईयर आई होप आपको क्लियर है आपने रेंटल जो है पांच लाख पर ईयर आपने मुझसे जो है वो मैं आपसे चार्ज करूंगा अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं रेंटल्स को आज एक नॉर्मली बात करूं तो रेंटल जो आ रहे हैं वो पर ईयर जो टोटल इन टोटल जो ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म आपने मुझे देने हैं वो है पच्चीस लाख जबकि फेयर वैल्यू जो है वो है दो मिलियन तो आप मुझे ये बताएं कि आज आज इफेक्टिवली इफेक्टिवली जो आपकी लीज लाइबिलिटी है आज क्योंकि देखें दो मिलियन और पच्चीस लाख का जो डिफरेंस है वो तो इंटरेस्ट है जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं फेक्टिवली बिकॉज आई गिवन यू द फाइनेंसिंग ही है ना यानी अगर आप एक बात नोट करें आप अगर मुझे आज कैश में आप मुझे कैश में पेमेंट करते हैं तो मैं आपसे दो मिलियन लेता आपसे पच्चीस लाख रुपए नहीं लेता चूंके चूंकि आप मुझसे फाइनेंसिंग ले रहे हैं तो मैं इजाफी पांच लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं और ये जो पांच लाख है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट जो आप बुक करते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बुक करते हैं सही है ना तो चूंकि जब ये पच्चीस लाख है आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाएंगे तो ये दो मिलियन ही बनेगा तो ये पच्चीस लाख और दो मिलियन का जो डिफरेंस है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ही होता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप उस वक्त बुक करते हैं व्हेन यू हैव ऑप्टेन बेनिफिट और व्हेन यू आर इंटाइटल फॉर दैट तो इस वजह से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करते हैं आई होप आपको क्लियर है जी सर ठीक है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप पांच सालों की जगह दो सालों में मुझे पूरा का पूरी पेमेंट करते हैं तो आप मुझे बताएं क्या आप मुझे पच्चीस लाख रुपए ही देंगे अगर दो सालों में आप मुझे पेमेंट कर देते हैं तो नहीं सर उसमें से कुछ इंटरेस्ट कम हो जाएगा एग्जैक्टली इट मींस इट मींस आप खुद बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट का जो ताल्लुक है वो जैसे जैसे पीरियड पीरियड या स्पेन ऑफ टाइम जो है आपका गुजरता है वैसे वैसे इंटरेस्ट है होता है तो डे वन पे अगर आप पच्चीस लाख पे बुक करते हैं तो फिर तो ये मैचिंग के भी अगेंस्ट है अच्छा जी हैविंग सेट दैट एक क्वेश्चन करते हैं क्विकली ताकि आप लोगों को अंदाजा भी हो इसका हम लोग इसको आप को स्क्रीन नजर आ रही है ये आम, जी आ रही है सर एक्सेल स्क्रीन नजर आ रही अच्छा एक्सेल की अब अब ये क्वेश्चन नंबर वन नजर आ रहा है आप लोगों को जी जी सर अच्छा जी कंपनी ए लीज़ेस इक्विपमेंट विद अ फेयर वैल्यू कैश कॉस्ट ऑफ सेवन फोर्टी एट थाउजेंड फ्रॉम कंपनी बी इन टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट कंपनी ए हैज अ थर्टी ईयर एंड दिसंबर ठीक है दिसंबर ईयर एंड the lease begins on 1st january 2005 there are 6 installments of 166774 each paid annually in areas and the discount rate is 9% the company depreciates equipment over by over by 6 years on the straight line basis to a nil residual value company 6 saalon pe depreciate karti hame entries banani hame sofp extracts banane or notes banane तो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं चूंकि आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट थोड़े से बिल्डअप करना है तो मैं क्विकली इसको एक दफा सॉल्व करवा देता हूं सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं लीज पेमेंट्स कितने साल हो गए छ साल शे साल या पांच साल, साल हो था मेरे ओके। कैश फ्लोज अगर आप सवाल को देखें तो सवाल में ये बोलता है इट स्टेट्स के आपको जो पेमेंट करनी है वो छह इंस्टॉलमेंट्स में करनी है हर साल जो पेमेंट है वो वन सिक्सटी सिक्स थाउजेंड से फोर्टी फोर करनी है 166, तो ये सालों के मैंने फ्लोस कर दिए अभी ये मैंने लीज पेमेंट्स प्लॉट की है ठीक है अच्छा सर जब हम जो उसे कंसीडर कर लेंगे यानी जनरल अप्रोच और राइट ऑफ यूज बुक कर लेंगे तो ऑब्वियस होगा कि हमने डेप्रिसिएशन भी क्लेम करनी है बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा सही है? अभी तो मैं इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूँ अभी तो वो फिर मैं आता हूँ डेप्रिसिएशन वगैरह अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया डे वन पे आपने लीज लाइबिलिटी बुक करनी है और दूसरी तरफ आर ओ यू बुक करना है किस वैल्यू से करना है आप... सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हैं आप डिस्काउंट फैक्टर है नाइन तो वन डिवाइडेड बाय वन की पावर ये ईयर वन का आ गया और इसी तरीके से मैंने बाकी सालों का भी निकाल लिया अच्छा आप इसके ऊपर पीएम का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं थैंक्स टू एक्सेल सही है जो हम लोग बचपन में, में फॉर्मूला पढ़ते थे ना पी वी इज इक्वल टू आर वन माइनस एनवीटी का फार्मूला आर वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई सही है तो अच्छा मुझे ये बताएं एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और एक होता है एनवीटी का फॉर्मूला

प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी कैश फ्लो उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंट फैक्टर से तो मेरे पास हर साल की प्रेजेंट वैल्यू आ गई और मैंने इन सब को टोटल कर लिया तो मेरे पास सेवन फोर्टी एट थाउजेंड लीज लाइबिलिटी आ गई आई होप आपको क्लियर है सेवन फोर्टी एट थाउजेंड क्लियर है आपको जी सर अच्छा जी नाउ यू वुड अप्रीशियट क्योंकि ये सिंपल सिनेरियो है तो आपकी जितनी एसेट की फेयर वैल्यू है देखें कैश कॉस्ट उतना ही बना है सेवन फोर्टी एट थाउजेंड कोई और कोई और कॉस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है आर ओ यू ए का फॉर्मूला क्या था इधर मैं एंट्रीज भी बना लेता हूं एंट्रीज फर्स्ट जनवरी हमने कब इसको लीज पे लिया है फर्स्ट जनवरी दो हजार पांच फर्स्ट जैन टू थाउजेंड फाइव तो डे वन पे मैंने आर ओ यूए डेबिट कर दिया आर ओए का फार्मूला यही है ना लीज लाइबिलिटी प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस एनी अदर कॉस्ट अभी सिर्फ हमारे पास लीज लाइबिलिटी है तो आर ओ यूए भी इतने से और लीज लाइबिलिटी भी इतने से ये ईयर जीरो पर मैंने एंट्री पास कर ली है और मैं काम करता हूं मैं साथ इसके पीएनएल एक्सट्रैक्ट्स और बैलेंस शीट भी बना देता हूं जीरो पर आर ओ यू मेरे पास आ गया सेवन फोर्टी एट थाउजेंड मैं लिंक कर देता हूं और लीज लाइबिलिटी भी आ गई सेवन फोर्टी एट थाउजेंड आर वी क्लियर अपटिल हियर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड आप लोगों को क्लियर है ये यस सर डे वन पे अच्छा अभी हम लोगों ने आगे बात नहीं की थी अभी तो मैंने आपको डे वन पे आप क्या करेंगे मैंने सिर्फ उसके हवाले से आपसे बात की थी अब हम बात कर लेते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की कि लीज लाइबिलिटी सब्सिक्वेंटली और आर ओ यू एस सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पर मेजर होगा थैंक्स टू आई एफ आर एस नाइन आपको याद है अमोटाइज कॉस्ट कॉस्ट याद है कॉस्ट याद है कि आप अपने एसेट को या अपनी लाइबिलिटी को अमोटाइज कॉस्ट पे कैसे रखते हैं सर वो एक्सपेंस uh, को ऐड कर देते हैं और जो पेमेंट की होती है उसे लेस करके और जो अमाउंट बचती है वो अमोटाइज कॉस्ट कहलाती है बिल्कुल तो बस आप याद रखें लीज लाइबिलिटी जो है वो अमोटाइज कॉस्ट पे वैल्यू होगी और थैंक्स टू तो आई एफ आर एस नाइन हम लोग जो है आई एफ आर एस नाइन के अंदर को देख चुके हैं तो जैसे वहां फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपकी मेजर होती थी सेम डुटो आपकी लीज लाइबिलिटी भी वैसे ही मेजर होगी ओपनिंग यहाँ आ जाएगा सही है ओपनिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा बेस्ड ऑन आई आर आर और आई बी आर जो भी आपने रेट यूज किया है उसकी बेसिस पे हमने अभी रेट कौन सा यूज़ किया नाइन परसेंट था बिल्कुल इंटरेस्टेड नाइन परसेंट और यहाँ आ जाएंगे रेंटल्स यही करते थे ना और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग क्लियर है आपको जी अच्छा जी ये आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओपनिंग कितना है सेवेन फोर्टी एट थाउजेंड इंटू नाइन परसेंट ठीक है रेंटल आप कितना पे कर रहे हैं एक, 166. एक तो तो और आपका क्लोजिंग कितना आ गया सिक्स फोर्टी एट यही आपका ओपनिंग बना और इसको मैं ड्रेक डाउन कर लेता हूं सही है और आप देखिएगा कि ईयर सिक्स पे जाके ये जीरो हो जाएगा I'm sure आपको क्लियर है आई एम श्योर आपको क्लियर है कि लीज लाइबिलिटी किस तरीके से आप सब्सिक्वेंटली मेजर करेंगे एनी क्वेश्चन इसी तरीके से सवाल ये पैदा होता है कि हसन ये तो तुमने लीज लाइबिलिटी का बता दिया सही है वॉट अबाउट आर ओ यूएर भी तो डेप्रिशिएट होना है तो याद रखियेगाट को, को, करते हैं तो है, एसेड की यूजफुल लाइफ और एक होती है एसेड की और आपके कॉन्ट्रेक्ट के तहत लीज टर्म तो जो भी लोवर हो उस पर आपने आर ओ यूए को डेप्रीशिएट करना है आई होप आपको क्लियर सर uh, जी सर ये जो भी आपने फॉर्मेट बनाया इस फॉर्मेट में आ, यू, ये ज़्यादा बेहतर ना होता कि हम इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी आपने जैसे टोटल लिखी है न, एक लाख सौ चौलीस हम इसमें प्रिंसिपल कह देते कर सकते थे कर सकते थे आप ना? ऐसे एलिमेंट आ रहा है वो प्रिंसिपल है तो आसानी होती कर सकते थे वैसे जो है ऐसे भी करें तो कर सकते थे आप सही बोल रहे हैं वो क्लैरिटी के लिए सही था अगर आप रेंटल इंटरेस्ट को माइनस करें तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल आ जाता है अच्छा जी अब सवाल ये पैदा होता है कि आर ओ यूए को हम कैसे बुक करें आर ओ यूए को भी तो डेप्रिशिएट होना है अच्छा देखें एक चीज याद रखिएगा तीन डेट्स हैं बहुत अहम डेट है तीन जो मैं भाई आपको बताने के लिए जा रहा हूं लीज में तीन डेट्स हैं जो अहम है एक है इंसेप्शन डेट और एक है कमेंसमेंट डेट और एक होती है एसिड बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन ये तीन डेट्स हैं जो बहुत अहम है जो आप लोगों ने समझने की जरूरत है इंसेप्शन डेट वो डेट होती है जिस दिन लीज का एग्रीमेंट होता है कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन लेसर लेसी को एसिड अवेलेबल फॉर यूज कर देता है और एसिड बिकम्स इन यूजेबल कंडीशन जब एसिड लेसी के हिसाब से यूजेबल कंडीशन में आ जाए जो आइए सिक्सटीन वाली बात थी फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है आ, से खलीफतुल्ला साहब से जो है किसी ऑफिस का एग्रीमेंट करा कि भाई आज डेट है लेट्स से नो जनवरी मैंने खलीफतल्ला साहब को बोला कि भाई फर्स्ट जुलाई को मैं आपका ऑफिस रेंट पे जो है वो लूंगा खलीफ़ुल्ला साहब ने बोला सही असन कोई मसले वाली बात ही नहीं है तो इन्सेपन डेट है नौ जनवरी

आप पीपी पर डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करते हैं जब एसिड आपके पास आ जाए तब या फिर एसिड जब यूजेबल कंडीशन में आ जाए तब तो जब वो ऐसी ऐसी लोकेशन और कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट फिर हाँ जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जब वो ना 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 जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए पीपी के तहत आईएस सोलह के तहत आईएस सोलह के तहत आप अपने PPE पी पर उस वक्त डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हो जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए एज इंटेंडेड मैनेजमेंट हमारे केस में फर्स्ट ऑगस्ट अगर तो ये पीपी होता तो हम फर्स्ट ऑगस्ट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते यहाँ आई एस सोलह वाले एसेट और लीज वाले एसेट में डिफरेंस है आई एस सोलह वाला एसेट जो है जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए तब से आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हो आई एस सोलह वाले एसेट पर मगर जो लीज वाला एसेट होता है लीज वाला एसेट होता है उस पर आप डेप्रिसिएशन उस वक्त से स्टार्ट करते हो जब जब वो लेसर जो है आपको वो अवेलेबल फॉर यूज के लिए आपको अवेलेबल कर दे उस एसेट को यानी कमेंसमेंट डेट से जो है आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई एफ आर एस सिक्सटीन वाला एसेट एंड आई ए सिक्सटीन वाला एसेट मैं वापस रिपीट कर दूं कि जो नॉर्मल पीपी होता है यू स्टार्ट डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट फ्रॉम द पॉइंट व्हेन इट अ यूजेबल कंडीशन हाउ एवर हाउ एवर इन द फ्रॉमसमेंट डेट वॉट इज कमसमेंट डेट इट इज द डेट वेन द लेसर मेक्स दूस बाई वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस फॉर एग्जाम्पल अगर एक एसेट लेसर ने आपको जो है वो दे दिया है फर्स्ट जनवरी को अब आप उसके ऊपर काम करवा रहे हैं या जो भी करवा रहे हैं उसमें सात आठ महीने लग जाते हैं पूरा साल लग जाता है तो आप एसेट को लीज एसेट को उस वक्त से डिप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे जब से वो अवेलेबल फॉर यूज है मतलब फर्स्ट जनवरी से ना कि जब वो यूजेबल कंडीशन में है आई होप आपको क्लियर है ये चीज सर ठीक है अच्छा जी तो सर सर अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि आप डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करोगे कमेंसमेंट डेट से टू रिफ्लेक्ट दर्टर्न मेथड कौन सा होगा नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है क्योंकि लीज एसिड आपको पता है टेन्योर की बेसिस पर होती है तो वो पांच साल दस साल तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बेसिस ही अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन लाइफ कितनी लेंगे तो लाइफ जो आप लेंगे वो लेंगे लीज टर्म और यूजफुल लाइफ इज़ लोअर सही है और अगर तो आपको ऐसा लगता है कि ऑनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर आप यूजफुल लाइफ लेंगे तो पहला केस पहला केस लेट से एक एसेट है दस साल की है इसकी यूजफुल लाइफ है आपने उसको जो है लीज पे लिया है छह साल के लिए और आपको पता है एट द एंड ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो आप छह सालों पे उसे डेप्रिशिएट करेंगे यही केस है मगर आपको ऐसा लगता है ओनरशिप दसवें साल के एंड पे ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर आप इसको दस सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे आई होप आपको क्लियर है तो सर इस सिनेरियो में इस में, इस सिनेरियो सिनेरियो में में फर्स्ट जनवरी को ही जो है आपका एसेट आपको अवेलेबल फॉर यूज था तो कितने सालों पर डेप्रीशियट होगा ये छह सालों पर डेप्रीशिएट होगा तो सर अब हम एंट्री पास कर लेते हैं हर साल के एंड पर थर्टी फर्स्ट जैन दो हजार पांच। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक साथ जो है रेंटल और इंटरेस्ट की एक साथ एंट्री पास कर लूं। यह एक काम करता हूं पहले अलग अलग एंट्री पास करता हूं फिर मर्ज कर लेंगे लीज लाइबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में मैं एल एल लिख रहा हूं। ठीक है अच्छा जी अच्छा सर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया लीज लाइबिलिटी बुक की और इसी दिन हमने पेमेंट भी की है तो लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट अच्छा जी ठीक okay, है जी सही है सर वो मैं कह रहा था लीज इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह क्रेडिट डेबिट कर दिया वापस सही है ये मैंने अलग एंट्री पास की है आप चाहें तो इसको मर्ज भी कर सकते हैं ये तो सिर्फ आप लोगों को मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है सही है फिर इसी दिन एक और एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट आर ओ यूए क्रेडिट ये कैसे होगी सेवन सेवन फोर्टी एट के डिवाइडेड बाई सिक्स कितना आ रहा है मुझे अमाउंट बताते सेवन फोर्टी एट डिवाइडेड बाई सिक्स आई होप आपको क्लियर है और छह सालों तक आप लीज स्केजुअल के तहत जो है आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे रेंटल पेमेंट करेंगे और डेप्रिसिएशन को आप बुक करते रहेंगे अगर आप लोग अगर आप लोग बोले तो मैं छह के छह साल की एंट्री पास कर देता हूँ सही है क्योंकि एंट्री सेम रहनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस का अमाउंट चेंज होना है बस डेप्रिसिएशन भी सेम रहना है या बोले तो डायरेक्ट एक्सट्रेक्ट बनवा दो सर इन दोनों का डिफरेंस किधर जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस का और डेप्रिसिएशन का इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कहीं भी नहीं जाएगा ओवर द पीरियड बल्कि अभी एक काम करें मैं आपको ये चीज दिखाता हूं लेट्स यहाँ पर अभी प्रिंसिपल के अमाउंट की एंट्री भी रहती है वो तो हो गई ना लीज लाइबिलिटी डेबिट की ना आपने वो प्रिंसिपल की तो पेमेंट है लीज लाइबिलिटी इट्स इट्स अ प्रिंसिपल ओके 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 सर आपने टोटल ओके सही हो गया सही है वो तो मर्ज करेंगे तो नेट फिर प्रिंसिपल डेबिट हो जाएगा बिल्कुल ऐसा है रहे आपको जी सर अच्छा जी अच्छा जी इसी तरीके से आपका आर ओ यू है हर साल दिस माइनस दिस आई एम सॉरी इनफेक्ट सही है कंट्रोल सी सही है ये आपका हो गया आई एम श्योर मैं मैं अगर एक साल की एंट्री बनवा रहा हूँ तो इट्स नॉट एन इशू अगर आप बोलते हैं तो मैं छः के छः साल की एंट्रीज बना देता हूँ और लीज लाइबिलिटी आपकी ये अमोटाइजेशन स्केजूल के तहत आपकी आ गई आई yes, होप आपको क्लियर है ये चीज तो ये पूरा इस तरीके से आपका जो है स्केजुअल बन गया और आपकी पांच सालों पे लीज लाइबिलिटी प्लॉट हो गई है एनी क्वेश्चन सो सॉरी सर मेरा क्वेश्चन है वो ये कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बुक कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन भी बुक कर रहे हैं दोनों जी तो एक चीज बुक होनी चाहिए ना <laughs> क्यों आज चले मुझे एक बात बताएं मुझे एक बात बताएं आप अगर आज कैश पे खरीदते अगर आप आज कैश पे खरीदते तो ये एसेट कितने का मिलता आपको अगर आज खरीदते तो सेवन फोर्टी एट का सेवन फोर्टी एट का बिल्कुल सही बोला आपने जो के सवाल में दिया हुआ भी है फेयर वैल्यू ये देखें कैश कॉस्ट ऐसा ही है जी अज्यूम करें आपने जो है इसको आपने कैश पे खरीदा है तो डेप्रिशिएट करेंगे जी कितने अमाउंट को डेप्रिशिएट करेंगे सेवन फोर्टी एट को सिक्स पे डिवाइड कर देंगे जबरदस्त तो वो यही किया है मैंने डेप्रिसिएशन हाँ जी देखें उसका टोटल भी सेवन फोर्टी एट ही बन रहा है ऐसे सही करेंगे जी जी. मगर अब आप चूंकि फाइनेंसिंग पर ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो आपने इंटरेस्ट भी पे करना है ऐसा ही है ठीक है तो अब आप सेवन फोर्टी एट की जगह कितना पे कर रहे हैं वन पॉइंट समथिंग मिलियन पे कर रहे हैं जी। इसका मतलब आप इंटरेस्ट के नाम पर सेवन फोर्टी एट माइनस वन पॉइंट वन टू फिफ्टी टू पे कर रहे हैं ऐसा ही है सही है जी जी सॉरी ठीक हो गया वो मैं उसको इंटरेस्ट को को दोनों ऐड कर रहा था नहीं नहीं अब समझ आई तो ये देखें हाँ, एक एंट्री बना रहा था हाँ ये देखें ये मैंने निकाला अभी आपके लिए सेवन फोर्टी एट आप ओवर द पीरियड बुक कर रहे हैं और टू फिफ्टी टू भी ओवर द पीरियड ये देखें एंड में ये हाईलाइटेड सही है ना जी जी बिल्कुल सही 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 बिल्कुल एनी क्वेश्चन अच्छा अब आपको पता है आई एस वन के तहत आई एस वन के तहत अगर तो आपने कोई पेमेंट अगले साल में अगर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो स्टैंडर्ड स्टेट्स के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में से वो हिस्सा जो अगले बारह महीनों में पे करना है उसको आप करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे ये याद है ना हम सबको आई एस वन के तहत आपने जो है करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी का फर्क यही है ना करंट लाइबिलिटी जो अगले बारह महीनों में पे करनी हो नॉन करंट लाइबिलिटी जो बारह महीनों के बाद पे करनी हो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है मगर वो हिस्सा जो अगले बारह महीनों में पे करना है उसको आप करंट में दिखाओ तो मुझे बताएं आप ये जो सेवन फोर्टी एट है ये तो टोटल है ना चलें ये तो ईयर जीरो है इनफैक्ट मैं ईयर जीरो पे भी बाईफरकेट कर देता हूं अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं ये जो सेवन फोर्टी एट है ये प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल है really ये प्रिंसिपल है अब आप मुझे एक बात बताएं ये जो सेवन फोर्टी एट है ये तो आपको जो है उसमें से अगला साल आपने कितना पे करना है यानी ईयर वन में कितना पे करना है तो मैं सेवन फोर्टी एट और सिक्स फोर्टी एट का डिफरेंस ले सकता हूँ नाइन्टी नाइन फोर ट्वेंटी फोर वन में नहीं पे करेंगे ये ईयर वन में पे करूंगा ना तो ईयर जीरो के लिए तो अगले बारह महीने यही हो गए ना इसी तरीके year... से मैं ईयर वन के एंड पर खड़ा हूँ तो ईयर टू में कितना पे करूंगा सिक्स फोर्टी एट और फाइव फोर्टी का डिफरेंस ऐसा ही है ना अब आप मुझे बताएं टोटल आप समझ गए ना ईयर जीरो पर सेवन फोर्टी एट की बाईफन कैसे की है मैंने बोला भाई देखो ईयर वन ईयर जीरो पर मुझे टोटल सेवन फोर्टी एट पे करना है मगर सेवन फोर्टी एट में से अगले बारह महीनों में कितना पे करना है तो मैंने बोला ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस प्रिंसिपल है ना ये तो मैंने सिर्फ प्रिंसिपल का एलिमेंट निकाल लिया नाइन नाइन फोर ट्वेंटी फोर वो अमाउंट है जो मुझे ईयर वन में पे करना है तो अगर मैं ईयर जीरो पर खड़ा हूं तो अगले बारह महीने मेरे लिए ईयर वन हुए

इसी तरीके से फिर मैं ईयर थ्री टू के एंड पर आया तो मैंने बोला टोटल मुझे पे करना है फाइव फोर्टी उसमें से मुझे अगले साल कितना पे करना है तो मैंने बोला अगले साल जो है वो ईयर थ्री और ईयर टू का डिफरेंस फाइव फोर्टी और फोर ट्वेंटी टू का डिफरेंस एक सौ अठारह तो बाकी कितना हो गया फोर ट्वेंटी टू जो ईयर थ्री के बाद पे करना है फिर ईयर फोर में आया तो मुझे पता चला टोटल पे करना है फोर ट्वेंटी टू उसमें से फोर और फाइव का डिफरेंस आई एम सॉरी थ्री और फोर का डिफरेंस जो कि आ गया 128 तो उसको मैंने करंट में दिखा दिया और उन दोनों का डिफरेंस नॉन करंट थ्री करंट दिया इसी तरीके से ईयर फोर ईयर फाइव और ईयर सिक्स आई होप आपको ये चीज क्लियर है आई होप आपको ये चीज क्लियर है एनी क्वेश्चन यस प्लीज आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना सर एक क्वेश्चन है

असल में जब मैं पढ़ता था ना मैं भी कंफ्यूज होता था कि टीचर जो है ईयर जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं अगर आप ऐसा करेंगे ना जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हालांकि आपकी तो छह साल की है ये ईयर जीरो ईयर जीरो तो स्टार्ट ऑफ ईयर वन होता है ना आप तो पूरा एक साल इधर दिखा रहे हैं ये ओपनिंग था ईयर ईयर वन का जिसको हम ईयर जीरो बोलते हैं ये पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो फिर ये ईयर वन आ गया क्लोजिंग फिर ये ईयर वन का ओपनिंग था जिसको मैंने ईयर टू ईयर वन का क्लोजिंग जिसको मैंने ईयर टू का ओपनिंग बोला फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ पूरे साल का फिर ये ईयर टू का क्लोजिंग आई होप आपको क्लियर है कैन वी मूव ऑन जी सर ओके okay. अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं स्नैप लेना चाहते हैं तो इसकी पिक्चर लेके भले ग्रुप पे भी डाल दे इनफेक्ट कोई पार्टिसिपेंट इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दे तो अच्छा हो जाएगा सबके भले के लिए

अच्छा जी अब मैं चाहूँगा एक इलस्ट्रेशन आप लोग खुद भी सॉल्व करें अच्छा सर एक सवाल है जी जी अच्छा सर हमारे यहाँ आई फायर सिक्सटीन जो है वो अप्लाई होता है बेसिकली uh, हम लोग रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह जो है उसमें क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं अच्छा अब अभी सवाल मेरा ये था कि जैसे तीन साल का एग्रीमेंट है हमारे यहाँ तो उस पर फिक्स होता है हमारा रेंट रेंट इनका रेंटल ना रेंटल अमाउंट टेन थाउजेंड तो जब हमारी अमाउंट फिक्स है तीन सालों के लिए तो उस पर तो हम इंटरेस्ट देते ही नहीं है तो फिर हम उस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड क्यों करते हैं देखें स्टैंडर्ड स्टेट्स के ये जो आपने आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आ, ये जो आप दस हजार की पेमेंट करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स के देखें कुछ ना कुछ जो है ना क्योंकि ये लेसर जाहिर सी बात है कि ये आपको बेच नहीं रहा आपको एक एसेट के लिए राइट टू यूज दे रहा है सही है राइट टू यूज दे रहा है आपको तो ऑब्वियसली वो अपनी कॉस्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ रिटर्न चार्ज कर रहा होगा उस रिटर्न को जो है स्टैंडर्ड स्टेट्स के वो इंटरेस्ट है एक्चुअली स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई आप कॉस्ट और रिटर्न को अलग अलग दिखाओ यानी अगर जी आप ठीक है जी जी एग्जैक्टली exactly ही, ऐसा ही होता है uh, हम उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर का नाम दे देते हैं और एक्सपेंस बुक करके उसको पीएनएल में ले जाते हैं बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल ऐसा है क्योंकि स्टैंडर्ड यही बोलता है कि देखें जब आप एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से आप बात करें तो इन्वेस्टर ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि मेरी कॉस्ट कितनी लगी है और उसके ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है तो जब कॉस्ट और रिटर्न बाइफर्केट होनी चाहिए तो आइडियली आपका जो है एक्सपेंस और आपकी जो कॉस्ट है वो भी बाइफर्केट होनी चाहिए ठीक ठीक द बैकग्राउंड थैंक हेलो

अभी भी डिस्टोर्ड हो रही है आई एम सॉरी या मेरे नेट पर इशू है तो मैं रीस्टार्ट कर कर लूँ यानी कोई मुझे पार्टिसिपेंट करे, करेगा आप लोगों को इशू आ रहा है आ रहा है सर ये सवाल कर सकते हैं ग्रुप में वॉइस नोट डाल मुझे वॉइस नोट भेज दे रिस्पोन्ड कर देता हूँ ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये प्लीज आप लोग अटेम्प्ट करते हैं सर जी Sir, जैसे हम कोई पर लेते हैं जैसे अभी आपने सवाल भी करवाया उसमें हमारे पास उसकी कॉस्ट गिवन थी ना तो हम उसका जो इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट है वो उन कैश फ्लो उसका आईआरआर लेकर निकालेंगे नहीं नहीं देखें आप आईबीआर लेंगे

यानी आप आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम ये बोलते हैं कि प्रेजेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है जहां आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जो हम लोग बोलते हैं कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो जीरो जाए वो इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से होता है अगर तो आपको पता है इन्वेस्टर का आपके लेसर का आई तो इट्स फाइन नॉर्मली नहीं पता होता यानी लेसी को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बैंक से आप भी बेहतर समझते हैं एक आसान सी एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको पता होगा कि बैंक का आई क्या है वुड यू नो नहीं नहीं ले, पता लेकिन होगा निकाल नहीं, तो आप, सकता आप निकाल सकते हैं वो शायद वो शायद एक्यूरेट नहीं होगा वो एस्टिमेटेड होगा ट्रस्ट मी हाँ, वो एक्यूरेट नहीं होगा यस सर वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा बिल्कुल ऐसा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट्स के जो है एक मिनट जस्ट अच्छा जी तो आई एम सॉरी वो ऑफिस से क्योंकि भाई क्लोजिंग वगैरह चल रही है तो अभी भी जो है वो कॉल्स वगैरह आ रही हैं तो जो है खैर आप प्लीज मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे प्लीज आप एक दफ़ा वापस रिपीट कर सकते हैं ये सर वो क्या आप कह रहे थे ना कि आईबीआर इस्तेमाल करना है हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसलिए जो है ना आईबीआर जो है क्योंकि काफी ऐसी कॉस्ट वगैरह होती है जो हिडन कॉस्ट होती है आप उसको जो है इम्बेड नहीं कर सकते तो इसलिए जो है प्रैक्टिकल कंस्टेंट की वजह से जो है स्टैंडर्ड है अलाउड कि आप आईबीआर यूज कर लें इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ठीक है यानी हम सर आईबीआर पर डिस्काउंटिंग करेंगे और यानी उसे हम अपनी फिर जो है ना बिल्कुल ऐसा यानी हम फेयर वैल्यू को नहीं देखेंगे मार्केट में ना ना आप लोग सॉल्व करके मुझे प्लीज आंसर बताते हैं अच्छा जी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूं जी सर अल्फा एंटर्स इनटू अ लीज विद ओमेगा फॉर प्लास्टिक्स मोल्डिंग मशीन द टर्म ऑफ द द टर्म ऑफ द टेन ईयर लीज रिक्वायर अल्फा पीएलसी टू मेक टेन एनुअल लीज पेमेंट्स ऑफ थर्टी इन एरियर्स The discounted value of lease payment at implicit rate within the lease is six percent is two two sixty four thousand nine sixty. have present value ke hai. There is an option to buy the machine on the final date of the lease twenty five thousand, which alpha is expected to exercise. So it means that uh, exercise option is uski value of discounted, discounted, discounted value. Discounted value at twenty five thousand. Discounted discounted. जबरदस्त विच अल्फा इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज फिफ्टीन ईयर्स यूजफुल लाइफ जो है पंद्रह साल है तो आप मुझे बताएं डेप्रिशिएट कितने सालों पे करेंगे दस साल, दस साल, साल दस, साल दस साल या पंद्रह साल पे दस साल पंद्रह साल पे नहीं करेंगे पंद्रह साल दिया हुआ ना यूजफुल लाइफ तो पंद्रह साल पे लेंगे मगर लीस्ट हम दस साल दी हुई है सर जी वो विचर इज लेस वो वाला रूल यूज करेंगे ना बीच मगर मैंने आपको बताया था अगर जो है ओनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर है तो फिर आप यूजफुल लाइफ पे करते हैं ये भी बताया था ना मैंने ये भी हमने डिस्कस किया था ना जी जी ये पढ़े हैं आप एंड में सही है लास्ट पॉइंट ये जो मैं माउस होवर कर रहा हूँ जी ठीक ठीक है जी अच्छा जी अच्छा इनिशियल और लीज लाइबिलिटी इकतीसबर दो हजार एक की है जस्ट टू सेव द टाइम मैं आपको जो है इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ देखें आर ओ यू ए जो है वो जो आपका बुक होगा डिस्काउंटेड फ्यूचर लीज पेमेंट जो आपके है है ऑप्शन टू तो जो लीज लाइबिलिटी आपको पता है कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है कोई डिसमेंटलिंग डिसमेंडलिंग कॉस् जो आर ओ यूए होगा वही लीज लाइबिलिटी होगी तो टू आपका लीज लाइबिलिटी क्रेडिट आर ओ यूएर अपलिएवेंटी एट थाउजेंड से ऐसा ही है जी। अब दो अब 2001 के ऊपर आर ओ यूए मांगा है तो टू सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई फिफ्टीन तो अठारह हजार का डेप्रिसिएशन तो कैरिंग अमाउंट आगे ये भी क्लियर है आपको आपको के एंड की की कैरिंग अमाउंट कैसे आई क्लियर है तो लीज लाइबिलिटी भी देख लें लीज डायबिलिटी थी टू सेवेंटी एट इंटरेस्ट सिक्सटीन परसेंट का चार्ज सिक्स परसेंट से चार्ज हुआ पेमेंट रेंटल माइनस कर दी तो आपके पास लाइबिलिटी आ गई दो हजार एक के एंड की या दो हजार दो के स्टार्ट की एक ही बात है आई होप आपको क्लियर है ये चीज अगर आप बोले तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सेल पे भी करवा ओके okay, दूसरे तो आई होप आपको लेसी की फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग के हवाले से जो है